हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ। और आपको साइंस में आपका जो चैप्टर चल रहा है जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल के सेशन में हमने अवायवीय श्वसन क्या होता है और वायवीय श्वसन क्या होता है इसके बारे में जाना था। आई थिंक आप सभी बच्चों को, आशा करती हूँ, समझ में आ गया होगा। कल कंचन ने और वंश नेगी ने इन सब ने मिल करके अच्छे से पढ़ाई की थी, तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन ये क्या होता है, ये सब बच्चों का क्लियर हो चुका है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका ये अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब एक दूसरे तरीके के श्वसन के बारे में हम कल के लेक्चर में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे कि एक तो श्वसन की प्रक्रिया, पहली चीज जो हमने कल डिस्कस करी थी वो ये था कि सांस लेना और छोड़ना श्वसन नहीं कहलाता है, सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया कि हर सांस लेने पर और हर सांस छोड़ने के बीच में, जो विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर ही हम सांस गहरी खींचते हैं अंदर को और उसके बाद एक्सक्रीटरी मटेरियल के रूप में सांस को बाहर छोड़ते हैं। क्योंकि वो सांस, कल सबने ये प्रैक्टिस भी करके देखी थी कि आपने सांस अंदर को खींचा और उसको बहुत ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाए, आपकी सांस अपने आप छूट गई। मतलब कुछ ऐसा था जो शरीर से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए आप सांस को रोक नहीं पाए और सांस आपकी छूट गई। उस समय पे क्या था, आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी जो आपका शरीर रोक नहीं सकता है, इसलिए उसको बाहर सांस को निकालना पड़ा और ये अनैच्छिक था। आपकी इच्छा के बिना भी आपको सांस छोड़नी पड़ी। थोड़ी देर तक आप अपनी इच्छा के अनुरूप सांस को रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये तो कल के लेक्चर की बात हो गई। फिर हमने क्या बात करी थी कि दो तरीके के श्वसन की प्रक्रिया होती है। एक तो ये आप सभी को पता है कि हम जब सांस अंदर ले रहे होते हैं तो उस समय पे हम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को अपने शरीर के अंदर भर रहे होते हैं। यानी कि अब पूरे चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ के समझते हुए चलेंगे। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है वो जब हम श्वसन करते हैं तभी हमें वो ऊर्जा मिलती है। यानी श्वसन की प्रक्रिया से जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और उसके रूप में ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा को हम यूज करते हैं दौड़ने भागने में, पढ़ने में, कूदने में, बोलने में, आपस में बातचीत करने में या जीवन के सभी काम करने में। दो प्रकार का श्वसन मुख्य रूप से पाया जाता है। पहला वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी हम इस चैप्टर में जीवों में श्वसन की बात करें, केवल इंसानों में श्वसन की हम बात नहीं कर रहे, हम जीवों में श्वसन की बात कर रहे हैं। यानी विभिन्न प्रकार के सभी जीव जंतु कैसे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार के श्वसन होते हैं बच्चों, एक तो वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या होता है उसके बारे में कल हमने बहुत विस्तार से बात करी थी। वायवीय श्वसन ऐसा श्वसन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। दूसरे प्रकार का श्वसन होता है अवायवीय श्वसन। इस संसार में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जीव बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। देखो, जो श्वसन की प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, उसका मूल जो भाव है, जो बेसिक उसका फंक्शन है वो क्या है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही रेस्पिरेशन हो सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही एनर्जी रिलीज होगी। वो दो तरीके से हो सकती है, एक ऐसा केस जहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, एक ऐसा भी केस हो सकता है जहां पर ऑक्सीजन के बिना ही एनर्जी रिलीज हो रही है।
यानी कि श्वसन को हम भोजन का विखंडन कह सकते हैं, श्वसन को हम भोजन का विखंडन समझ सकते हैं। श्वसन में भोजन का विखंडन हो और उससे ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाए, हमें नहीं सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त हो जाए, तो उसको हम कहते हैं श्वसन। तो पहली बात तो ये आपको समझ में आ गई कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में श्वसन की प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो अगर प्रेजेंस में होती है तो उसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इस पॉइंट तक सभी बच्चों का क्लियर हो गया है तो सभी बच्चे अपना हैंड रेज कर करके मुझे बताएंगे। अवायवीय श्वसन के बारे में हमने बात करी थी कि ऐसा श्वसन कुछ जीवों में पाया जाता है जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, मतलब उनके भोजन का विखंडन तो हो रहा है, ऊर्जा भी निकल रही है, लेकिन उस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो है अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा प्रकार का श्वसन ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है। अब हम बात करेंगे अपने अपने बारे में, यानी हम इंसानों के बारे में बात करें, उसके बारे में हम कल बात कर रहे थे कि जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल सेल्स में होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का अभाव हो जब, तब क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन पार्शियली टू फॉर्म लैक्टिक एसिड एंड रिलीज सम एनर्जी। अब ऐसे समय पे क्या होता है जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, आपने फील किया होगा कई बार बहुत तेज जब आप दौड़ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम कर रहे होते हैं, कुछ भी पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, या आप कुछ भारी सामान, जैसे सामान्य से आपके ही जीवन का एक उदाहरण ले लेते हैं, आप भारी बस्ता टांग करके स्कूल से अपने घर पहुंचते हैं। जब आप भारी बस्ता टांग करके पहाड़ी रास्तों से अपने घर पहुंचते हैं बच्चों, तो उस समय क्या होता है आपके साथ, आपने खुद अनुभव किया होगा कि उस समय कितना भी स्वस्थ बच्चा है तो वो क्या हो जाता है, थकान हो जाती है उसको, है ना, वो उसकी सांसें थोड़ा सा बहुत रिलैक्स नहीं होता, वो हम कह सकते हैं बच्चा थक गया है या सांस जल्दी जल्दी ले रहा होता है, थोड़ा सा मुश्किल में होता है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा सा थकान तो हो ही जाती है। कितना भी स्वस्थ बच्चा हो अगर भारी बस्ता पीठ पे टांग के और घर जा रहा है पैदल, है ना, जहां पे रास्ता भी थोड़ा पहाड़ी है, तो क्या होगा, थोड़ी थकान होना लाजमी है, मतलब हो जाती है, नॉर्मल है ये चीज। तो उस समय क्या होता है, कभी कभार यदि हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हैं, है ना, ये सामान्य व्यक्ति को तो नहीं होता, लेकिन अगर हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं, तो कोई 100% स्वस्थ है ऐसा तो इंसान ढूंढना मुश्किल है ना, कुछ ना कुछ कमी तो हो ही जाती है, कुछ नहीं होगा तो पानी की कमी हो जाएगी शरीर में, है ना। तो जब ऐसे हम मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट रनिंग करते हैं या कुछ करते हैं, तो कभी कभी हमें क्या हो जाते हैं, मसल क्रैम्स हो जाते हैं। अब मसल्स का मतलब सभी बच्चे जानते हैं, हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के ढांचे से बना हुआ है, तो हड्डियों के ढांचे पर ऊपर जो मांस कवरिंग है, जैसे हम, हमारा जो शरीर, हमारे शरीर के अंदर क्या है, हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर ये सब क्या, ये जो ये पूरा हमारा स्किन दिखाई पड़ता है, ये सब मसल्स हैं हमारी, ये जो नीचे दिखाई पड़ रही है ये मसल्स हैं, यहाँ पे मसल्स होती है। आपने बहुत देखा होगा जिम में बॉडी बिल्डिंग करते हुए यूं करते हैं, यहाँ पे क्या आती है, मसल्स आती है। तो ये जो मसल्स होती है आपके हाथों पे भी है, आपके पैरों में भी, थाइज पे भी मसल्स हैं आपके, आपके घुटने के नीचे पीछे की साइड में जो आपके पैर का भाग है उस पर भी मसल्स होती है। तो ये जो हमारे शरीर की मसल्स होती है बच्चों, इसमें कभी कभी क्या आ जाती है, मसल क्रैम्प, या जिसको हम कहते हैं ऐंठन। अब मसल क्रैम्प्स को ब्रैकेट में क्या लिखा गया है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस,
मतलब आपकी मसल्स में ऐंठन होने लगेगी, और कैसी होगी वो, पेनफुल होगी, यानी कि उसमें दर्द होने लगेगा। और उसको हम क्या कहते हैं, क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स को हम मांसपेशियों की ऐंठन, या सामान्य भाषा में आपकी तरफ क्या कहा जाता है, या आप अपने मम्मी से पूछ सकते हैं। कहीं कहीं इसको कहते हैं कि टांस लग गई, कहीं कहते हैं कि पैर में ऐंठने लग गया, कहीं कहते हैं सुन्न पड़ गया। अलग अलग सामान्य मतलब लोकल भाषा में क्या कहा जाता है ये नहीं पता, पर क्रैम्प्स कहा जाता है उसको नॉर्मल भाषा में। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी मसल्स क्या करती हैं, उस समय पे एक कंडीशन होती है, जब ये सिचुएशन आती है वो कंडीशन क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करें। वो कंडीशन ऐसी है कि जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर जो श्वसन का तरीका है वो है वायवीय श्वसन का, यानी हमारा शरीर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए अभ्यस्त होता है। हमें आदत है ऑक्सीजन इनहेल करने की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की, ऑक्सीजन इनहेल करने की और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने की। ऑक्सीजन इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते समय क्या होता है, ये हमारे लिए सामान्य है। अब इसके अलावा थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति दी जाए हमको, जहां पे हम किसी ट्रैक पे जा रहे हों, केदारनाथ चले गए, और वहां पे क्या है, ऑक्सीजन का थोड़ा सा अभाव है, कमी है ऑक्सीजन, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर वहां पर, दबाव ज्यादा है तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी है। अब वहां पे क्या होगा, हर व्यक्ति नहीं अपने आप को कोप अप कर पाएगा, हर व्यक्ति वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाएगा। जो एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाते, या जिन्हें उस तरीके का अभ्यास नहीं है, जो पहाड़ के रहने वाले नहीं हैं, जिनको आदत नहीं है उस मौसम की, वो उनको क्या होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगती है। उनके सबसे पहले क्या होगा, मसल क्रैम्प्स होंगे जब भी वो चढ़ाई कर रहे होंगे, उनको ऐंठन होगी, उन्हें सफोकेशन हो सकती है। सफोकेशन का मतलब ऑक्सीजन की कमी से घबराहट होगी, क्योंकि उनके शरीर को जितना ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उतना वो इनहेल नहीं कर पा रहे, और हर एक कोशिका तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस तरीके के श्वसन में, जो अवायवीय प्रकार का श्वसन कहलाएगा, इसमें क्या होता है, मसल्स में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज जो कि भोजन, रेस्पिरेशन का मतलब ही है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, ग्लूकोज का टूटना। तो जब ग्लूकोज टूट करके मसल्स में लैक्टिक एसिड में बदलने लग जाए तब मसल क्रैम्प्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा होने लग जाती है। दिस लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स इन द मसल्स, दस मसल क्रैम्प्स अकर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स व्हेन द मसल्स रेस्पायर एनोरेबिकली विदाउट ऑक्सीजन या इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन के अभाव में भी यह प्रक्रिया होगी और क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी में भी यही प्रक्रिया होगी जब हम हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस समय पे। तो अब अभी तक के पाठ में, अभी तक के सेशन में हमने क्या क्या चीजें समझ ली, अभी तक के सेशन में हमने ये समझ लिया कि श्वसन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है। अगर इन सभी प्रश्नों का जवाब आप दे सकते हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कल हमने ये चर्चा कर ली थी कि पेड़ पौधों का जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो उनका श्वसन प्रक्रिया है, उसमें वो क्या अंदर लेते हैं और क्या बाहर छोड़ते हैं। इंसान क्या अंदर लेते हैं, क्या बाहर छोड़ते हैं, ये आपका डिस्कस हमारे साथ हो चुका है। श्वसन तीन प्रकार से होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और ऑक्सीजन के अभाव में। तीन तरीके का होता है जिसके बारे में हमने बात कर ली। अब यहां तक का कॉन्सेप्ट सभी बच्चों का क्लियर हो गया है। कल का सेशन बहुत अच्छा था, जब बच्चों से आपस में बातचीत हो पाई थी और उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि हाँ आपको कितना और ज्यादा मेहनत करने की आपके ऊपर जरूरत है, आपको किस तरह से समझाया जाए कि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि सेवेंथ क्लास में जो आपका ये चैप्टर है बच्चों, जीवों का श्वसन, जीवों में श्वसन, ये चैप्टर जो है अभी शुरू है। आप जब बड़ी क्लासेस में पहुंचेंगे
तब भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, है ना। ये इतना आसान सी प्रक्रिया नहीं है जितने बारे में हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि आप छोटे हैं तो आपको आपके लेवल से समझाया जा रहा है। जब आप बड़े होंगे तो आपको इसके बारे में विस्तार से बहुत गहराई में जाकर पढ़ाया और समझाया जाएगा। अभी तक सभी बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस मैं बोलूंगी, मन में सोचेंगे कि आपके लिए क्लियर है या नहीं क्लियर है। श्वसन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, श्वसन प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है और कैसे कैसे होती है, और उन जो तीनों प्रकार के बारे में हमने बताया उसमें क्या प्रोडक्ट के रूप में निकल के आता है, ये सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक का आई थिंक आपका क्लियर हो गया है बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो क्रैम्प्स हैं ये कैसे होते हैं ये आप सभी को पता चल गया कि क्रैम्प्स जो है वो कैसे होते हैं, लेकिन क्रैम्प्स हो जाए तो उससे छुटकारा पाने का क्या उपाय है। जैसे मान लीजिए अचानक आपका पैर ऐंठ जाए, बहुत बार क्या होता है सोते सोते भी पैर में ऐंठन हो जाती है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जब आप दौड़ भाग नहीं कर रहे, पहाड़ नहीं चढ़ रहे, उस समय पे भी क्या होता है कभी कभार बिस्तर पे लेटे लेटे ही आपके पैर ऐंठने लग जाते हैं। क्या सिचुएशन होती होगी, ऐसा क्या होता होगा जिसके कारण ये हो जाता है। हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स की कमी होती है जिसके कारण इस तरीके के क्रैम्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं। जब हमारा शरीर ऑक्सीजन को ठीक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तब भी ये सिचुएशन आ सकती है। लेकिन यदि ये सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट जो आपका स्क्रीन में नहीं लिखा हुआ है, आप किस कमी से आपको ये प्रॉब्लम हुई, ये सभी बच्चे जान गए हैं कि ऑक्सीजन हम अपने शरीर तक पूरे कैपेसिटी में, फुल कैपेसिटी में नहीं पहुंचा पाते हैं, तब ये क्रैम्प्स आते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करके लंबी लंबी गहरी सांसें भरने की कोशिश करेंगे। जब भी हम लंबी गहरी सांस भरेंगे तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो कंप्लीट होगी और ये जो ऐंठन होने लग गई वो कंट्रोल हो जाएगी। पेन फिर भी बना रहता है क्योंकि बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे मसल्स में उस टाइम पे। तो रिलीफ पाने के लिए और क्या क्या तरीके हैं, वी कैन गेट रिलीफ, यानी कि हम उससे बचाव पहले से तो नहीं कर सकते। अगर आने वाला है हम ये नहीं जान सकते कि अब ऐंठन होने वाली है और उसके पहले ही हम लंबी लंबी सांस लेने लगे, लेकिन यदि हो जाए ऐंठन तब हम क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, आप लंबी गहरी सांसें भर सकते हैं काउंटिंग पे, है ना, कम से कम 10 काउंट तक आप सांस अंदर को भरते रहिए। जब आप सांस भरेंगे अंदर को तो हर हाल में आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई रिच होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, जब क्रैम्प्स हो जाए किसी भी हैवी एक्सरसाइज पे, इवन मैंने आपको बताया सोते समय भी कभी कभी हो जाता है, तो यदि इस तरीके की सिचुएशन हो जाए बच्चा तो हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर बाथ। इसका तरीका क्या है, इससे आराम मिलने का क्या तरीका है, हॉट वाटर बाथ यानी गर्म पानी का स्नान इसमें आपको मदद कर सकता है, या गर्म तेल की मालिश, मसाज, ये भी आपको मदद इसमें कर सकता है। हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव्स द क्या, सर्कुलेशन। किसका सर्कुलेशन, ब्लड का, किस में, मसल्स में। मसल्स में ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये अच्छा करने के लिए मसाज आपकी मदद कर सकता है। अब क्यों ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है हर एक कोशिका तक वो किसके द्वारा होती है, ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम जो है वो हमारे शरीर में बह रहा खून करता है, ब्लड करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे सब जगह पे पहुंचेगी तो उस समय क्या होगा, क्रैम्प्स में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। ड्यू टू इम्प्रूव द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल्स इंक्रीजेस, जब
ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी मसल्स में अच्छे से होने लगती है, तब फिर क्या होता है, फिर हम उसी पॉइंट पे जाएंगे कि लैक्टिक एसिड के जमने के कारण, इकट्ठा होने के कारण हमें क्रैम्प्स आए थे। तो अब लैक्टिक एसिड पार्शियली, क्योंकि ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन हुआ था, ग्लूकोज आंशिक तौर पर विखंडित हुआ था, अब जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट हुई, ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेटेड इन मसल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब दो चरणों में यह प्रक्रिया हो गई। वो जो ऑक्सीजन था जैसे ही पहुंचा मसल्स तक, वो ऑक्सीजन ने लैक्टिक एसिड को क्या कर दिया, लैक्टिक एसिड को तोड़ना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो बदल गया, और इस तरह से मसल क्रैम्प्स में रिलीफ आपको मिल गया। तो यानी कि आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं और उससे तुरंत तत्काल छुटकारा पाने का क्या उपाय है, मतलब बिल्कुल ऐंठ गई कोई मसल तो वो कैसे नॉर्मल होगी, नॉर्मल होने के बाद जो पेन हो रहा है उसमें कैसे कंट्रोल होगा, वो तरीका। सबसे पहला आप लंबी गहरी सांस जैसे ही भरेंगे ऑक्सीजन आपके शरीर में जाएगी और वो जो ऐंठन है वो कंट्रोल हो जाएगी। उसके बाद आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, आप गर्म तेल से थोड़ा सा, ठंडे से थोड़ा सा नॉर्मल करके, हल्का सा गर्म करके उसकी मसाज करवा सकते हैं, उससे इम्प्रूवमेंट होता है। और इस तरीके की सिचुएशन ना आए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, संतुलित आहार खा सकते हैं, जिसके बारे में हम छोटे थे क्लास सिक्स में ही हमने चर्चा कर ली थी कि किस तरह से हम संतुलित आहार खाते हैं तो हमारी शरीर के अंदर जो है पावर ताकत बनी रहती है, और उस पावर ताकत जब बनी रहती है तो इस तरीके के क्रैम्प्स आने का रीजन भी नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होगी। तो अगर पोषण हमारे शरीर में भरपूर है तो ऐसी परिस्थितियां थोड़ा सा कम ही आती हैं। तो ये हो गई आपका श्वसन की तीसरी प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बताया, जो ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर में होती है। अब इस स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई पड़ रहा है, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, इसको मोटे तौर पे समझेंगे, ग्लूकोज जो कोशिका के अंदर, बहुत ज्यादा नहीं जानेंगे, ग्लूकोज जो है दो चरणों में श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। पहले चरण में सब कुछ सेम होता है, यानी कि चाहे वो ऑक्सीजन के अभाव में हो रहा हो, चाहे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा हो, चाहे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा हो, पहला चरण समान होता है सभी प्रकार के श्वसन में। दूसरे चरण में तीन प्रकार हैं। एक है जहां पे ऑक्सीजन का अभाव है, एब्सेंस है। दूसरा है जहां लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यानी कमी है जहां पर ऑक्सीजन की, जो हमारे मसल सेल्स में होता है। और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तीनों के रिजल्ट में डिफरेंस है और उसके आधार पे तीन अलग अलग प्रकार का श्वसन पाया गया। जहां पर ऑक्सीजन का एकदम अनुपस्थिति होगी, एकदम भी प्रेजेंट नहीं होगी, वहां पे जो रिजल्ट निकलता है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। जहां पर ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया होगी वहां पे लैक्टिक एसिड बनाएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। यही वाला हमारा मसल क्रैम्प वाला कारण है। तीसरा है आपका जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, सामान्य श्वसन जिसे हम कहते हैं, वो है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, थोड़ा सा वाटर रिलीज करेगा और एनर्जी भी हमें अपने शरीर में देगा। तो आप देख रहे हैं कि कॉमन एनर्जी तीनों प्रकार के श्वसन में मिल रही है और तीनों प्रकार के श्वसन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, श्वसन के बारे में, कि श्वसन की प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का विखंडन
और उससे फाइनली हमें क्या मिलता है, एनर्जी। हमें क्या मिलती है, फाइनली मिलती है हमें ऊर्जा। इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, क्योंकि नोट करेंगे तो आपको एक पेज में ही, एक चार्ट पर ही आपको पूरा श्वसन समझ में आएगा। इसको नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे श्वसन के बारे में। पहले समझ लेंगे कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, उसके बाद हम श्वसन की प्रोसेस को जानेंगे बच्चों, कि हमारे कौन कौन से अंग जो हैं श्वसन में काम आते हैं, कौन कौन से अंग जो हैं वो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और कौन कौन से अंग जो हैं वो श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने में हमारा योगदान करते हैं। इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में बच्चों, 2 मिनट का मैं टाइम दूंगी, आप फटाफट से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न है, क्या आप सभी जानते हैं कि ईस्ट वाइन और बियर को बनाने में काम आता है? ईस्ट शब्द के बारे में आप सभी थोड़ी देर पहले मेरे ही मुंह से सुन चुके हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो जीव श्वसन की प्रक्रिया को परफॉर्म कर लेता है वो है ईस्ट। मतलब ईस्ट एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है, अवायवीय श्वसन करता है। ईस्ट परफॉर्म्स द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बाय इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। क्या आधी अधूरी विखंडन शुगर की जो कर रहा है, वहां पे क्या बन रहा है, अल्कोहल। तो सामान्य भाषा में समझें बच्चों कि ईस्ट जो है इसका यूज शराब बनाने में किया जाता है। वाइन और बियर क्या है, एक प्रकार का अल्कोहलिक ड्रिंक है, जिसे हम कहते हैं मादक पेय पदार्थ है या शराब। सामान्य भाषा में शराब शब्द के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, तो उसके प्रोडक्शन में ये ईस्ट का यूज किया जाता है। It is for this reason that yeast is used in the production of wine and beer. यही reason है कि yeast के अंदर अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है और उसमें release होता है alcohol जो ethanol के रूप में होता है, और इसी कारण से yeast को wine और beer बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। yeast क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका उपयोग मादक पेय पदार्थों को बनाने में किया जाता है ना। क्यों, वो क्या कर रहा है, वो अवायवीय प्रकार का श्वसन कर रहा है बच्चों, वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके का देखेंगे। कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, हैव यू एक्सपीरियंस्ड पेन इन योर आर्म्स और लेग्स आफ्टर एक्सरसाइजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसको आपके केस में डाल के हम बात करें, सभी स्कूलों में पीटी का पीरियड होता है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आपका 1 घंटा लगता है जिसमें हम दौड़ भाग करते हैं, खेल कूद करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। क्या उस पीरियड को कंप्लीट करने के बाद
आपको कभी कभार अपने हाथों पांव में दर्द महसूस होता है, हल्का फुल्का भी? क्यों होता है, क्या रीजन है? व्हेन यू एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, योर बॉडी एक्सपीरियंसेस अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड द मसल सेल्स बिगिन टू अंडरगो एनएरोबिक रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन के अभाव में जो श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, वही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर एक्सपीरियंस करता है टेम्पररी डिफिशियंसी को, मतलब कंप्लीट तौर पे नहीं। जैसे आप उतना अच्छी लंबी गहरी सांस ले नहीं रहे हैं जितना आपके शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे समय में ऑक्सीजन की कमी के में भी शरीर क्या करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन करना ही है, तो अवायवीय प्रकार का श्वसन करने लगता है और इससे शरीर को हम एनर्जी देते रहते हैं। लेकिन इसके कारण क्या होने लगता है, दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बनने लगता है, उसके एक्यूमुलेशन के कारण आपको पेन फील होने लगता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं और शरीर में दर्द भी होने लगता है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा और अगले सेशन में हम इसको और अच्छे से श्वसन का टॉपिक समझेंगे। That's all for today. Have a nice day. Take care.